प्रदोष व्रत का आरंभ 19 मार्च को सुबह 8:08 पर होगा और 20 मार्च को 4:56 पर इसका समापन होगा। प्रदोष व्रत को बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती को खुश करके हर मनचाही इच्छा पूरी की जा सकती है। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष समय में पूजा का 2 गुना फल मिलता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इस समय पर की गई पूजा से भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद उनकी आरती करना बहुत ही शुभ माना गया है। बिना आरती के पूजा सफल नहीं मानी जाती। प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध दही शहद और जल अर्पित करें। फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक अक्षत भस्म आदि अर्पित करें। फिर शमी के पत्ते बेलपत्र रुद्राक्ष आदि चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और उसके बाद आरती के साथ पूजा को संपन्न करें। तो आइए जानते हैं पूजा के लिए कैसे प्रारंभ करें पूजा। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल और शक्कर डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल की छींटें अपनी दोनों आँखों पर लगाएं। भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष काल में शिव जी की को पंचामृत से स्नान करवाएं। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पित करें। आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय के मंत्र या पंचाक्षरी स्त्रोत्र का 5 बार पाठ करें।